आज हम आपकी बुक की फर्स्ट पोयम को पहली कविता को पढ़ लेते हैं। ये है झूला। ये आप बच्चे को देख रहे होंगे पिक्चर में, ये झूला झूल रहा है और ये क्या बोल रहा है। आप इसको देखकर, आपने इस झूले को जैसे ही देखा होगा, आपके दिमाग में भी एक आइडिया आया होगा कि आप जल्दी से जाएं और अपनी मम्मा से कहें। मम्मी को अम्मा भी कहते हैं। इसमें लिखा है कि आप मेरे साथ बोलेंगे, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। अभी बच्चा क्या कह रहा है अपनी मम्मी से? कह रहा है, मम्मी आज आप मेरे लिए झूला लगा दीजिए, मैं इस झूले पर झूलूंगा। जब ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, और जब ये ऊपर जाएगा आगे जाएगा और पीछे जाएगा, और ऐसा लगेगा मैं इस पर जा कर के आसमान को छू लूंगा। आगे क्या कह रहा है ये? झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। इसमें वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि हर एक डाली डाली झूल रही है झूला, और उस पर एक एक पत्ता झूल रहा है। आपने इसका मतलब पता क्या होता है? डाली डाली झूलना और झूल पत्ता पत्ते का झूलना, यानी वो सब हिल रहे हैं। और इस झूले पर, जिस झूले पर वो बच्चा बैठा है ना, उस झूले पर बहुत मज़ा आता है और ऐसे लगता है मैं यहीं यहीं बैठे बैठे चला जाऊंगा, दिल्ली भी चला जाऊंगा, कलकत्ता भी चला जाऊंगा। ये तो आपकी सोच है। आप नानी के घर भी जा सकते हैं, अपनी दादी के घर भी जा सकते हैं, अपनी बुआ के घर भी जा सकते हैं, है ना। तो आगे देखेंगे, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिम झिम उड़कर, मैं लूटूं दल बादल। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिम झिम उड़कर, मैं लूटूं दल बादल। अब जब बच्चा झूला झूलता है तो उसे लगता है कि जो नीचे की ज़मीन है वो भी झूल रही है, और उसको लगता है कि मेरे साथ मैं उड़ चलूं, मेरे साथ जो भी चीज़ हो वो भी उड़ चले। और उसका जो रिमझिम कहते हैं, रिमझिम बारिश को कहते हैं। कहता है अगर ऊपर से पानी भी बरस रहा हो, बारिश भी बरस रही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि झूले पर मैं बैठ कर बादलों को भी छू लूंगा। आगे हम देखेंगे इसको, झौ झौ से बनता है झूला। झूले ही झूले, बताओ इसमें इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो? तो देखिए, आप जो है अगर डाली पर रस्सी लगाएंगे, इस पर भी आप झूल सकते हैं। टायर में रस्सी लगाकर इसको अगर हम पेड़ पर बांधें तो हम इस पर भी झूल सकते हैं। कुछ बच्चे तो दरवाजे पर भी झूल जाते हैं, लेकिन जब वो दरवाजे पर झूलते हैं तो उनको बहुत डांट लगती है। और किस पर झूल सकते हैं आप? इसमें आप चित्र में देखेंगे, हाँ, इसमें हम जो पैर का झूला होता है, ये कई बार बच्चों की मम्मी या फिर दादी बुआ मौसी ये बच्चों को यहाँ पर पैर पे बिठाकर भी झूला दे देती हैं। ये होता है पैर वाला झूला। तो आपको किस झूले पर बैठने पर मज़ा आता है? तो जिसको भी जिस झूले पर बैठने मज़ा आता है वो बच्चा उसी को लिख देगा। किसी बच्चे को पैर वाले झूले पर मज़ा आता है, और किस झूले पर झूलने में डर लगता है तो ये भी आप खुद बताएंगे कि आपको कौन से झूले पर बैठने में डर लगता है। कुछ बच्चों को जो मेले में बड़े वाले झूले आते हैं ना, उस पर बैठने में बहुत डर लगता है। जो गोल गोल चक्री वाले झूले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और डांट कब पड़ती है? जब फाटक वाले झूले पर बैठते हैं तो बच्चों को डांट पड़ती है। आपने इन झूलों को देखा होगा ना, और इनको आपने कहाँ कहाँ देखा है? ये तो आपने कहीं भी, कभी कभी कुछ जो गांव में रहते हैं बच्चे, उनके जो बड़े बड़े वहाँ पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चे ऐसे झूलों पर झूलते हैं। ये सीसा झूला है, ये पार्क में देखा जाता है या फिर स्कूल में भी होता है। और ये वाला हम इसमें लगाएंगे घर के आंगन पर,
ये भी बगीचे में भी लगा सकते हैं। और जो ये झूला है ये होता है स्कूल में भी होता है और ये पार्क में भी होता है। और ये वाला झूला होता है मेले में और ये बड़ा वाला झूला भी मेले में ही होता है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।